वेलकम टू एवरीवन, मैं हूं नवि। स्वागत है आपका इजी सक्सेस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की लास्ट क्लास में मैंने आपको सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था और ये भी बताया था कि सिद्धांत किससे रिलेट करता है, व्यक्तित्व से। तो मैंने व्यक्तित्व के कुछ और सिद्धांत आपके सामने लिए हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इस तरीके से, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो अपने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, जो फ्रायड का था, सिगमंड फ्रायड का था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सिद्धांत आपको दिख रहे हैं, शरीर रचना सिद्धांत है, विशेषक सिद्धांत है, मांग सिद्धांत है, सिरगुण सिद्धांत है। ये कुछ मोस्ट सिद्धांत है जो किसके हैं, व्यक्तित्व के, मतलब किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए कि व्यक्ति किस प्रकार का होगा, अलग अलग भिन्नताओं के आधार पर ये सिद्धांत बना दिए गए। तो इनकी बात करते हैं क्या आधार है। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक का मतलब होता है मन, मस्तिष्क। मन मस्तिष्क के आधार पर उसका विश्लेषण करना। मींस मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था इदम ईगो, याद आ रहा है आपको। मतलब व्यक्ति ये सब बातें कहाँ सोच रहा था, अपने माइंड में सोच रहा था, याद आ रहा है आपको। कंसियस माइंड, सेमी कंसियस माइंड, अनकंसियस माइंड, ठीक है। तो ये सब अवस्थाएं कहाँ थी, माइंड के अंदर थी। मतलब मन के अंदर व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व क्या है, ये थी मनोविश्लेषणात्मक जो सिगमंड फ्रायड की थी। अगर बात करें शरीर रचना सिद्धांत, तो ये होगा शरीर की रचना किस आधार पे है, शरीर की रचना किस प्रकार की है, वो सिद्धांत शरीर रचना सिद्धांत कहलाएगा, जो सेल्डन ने दिया है। ठीक है, सेल्डन, सेल्डन शरीर को बनाने वाला, सेल्डन, ऐसा ध्यान रखना आपको। तो सेल्डन ने बनाया शरीर, वो शरीर बनाया सेल्डन ने, शरीर रचना सिद्धांत देकर। तो सौ से सौ भी याद रख सकते हो आप, ये भी अच्छा तरीका, शरीर सेल्डन ने दिया शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत क्या बोलता है, देखिए इसने तीन प्रकार के सिद्धांत दिखे। एक तो है लंबाकृति, लंबाकृति, लंबाकृति मतलब जो व्यक्ति लंबे दिखते हैं वो लंबाकृति, सिंपल सी बात है, लंबी आकृति, क्योंकि लंबी आकृति मतलब जो लंबे दिखते हैं। तो सेल्डन ने कहा कि जो व्यक्ति जो ज्यादा लंबे दिखते हैं, लंबाकृति प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, गुमसुम रहना पसंद करते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार में चले जाएंगे, अपने लंबाकृति की प्रवृत्ति में चले जाएंगे, मतलब वो थोड़े से एकांत, गुमसुम और निष्ठुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हो जाते हैं। ये है अपनी कौन सी लंबाकृति। ठीक है, सेकंड आएगी इसमें आयताकार या आयताकृति, आयताकृति मतलब आयत जो होता है उसके आकार का होना। तो आयत के आकार का तो कोई होता नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, एक जैसा होना, समान अवस्था में होना, जितना ऊपर शरीर बढ़ रहा है उतना दोनों तरफ से उसका शरीर बढ़ रहा है, मतलब एक प्रॉपर वे में उसका शरीर बढ़ रहा है, ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, ज्यादा मोटापा भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो आयताकार शेप में कहा जाएगा। तो आयताकृति जो समान रूप से बढ़ रहा है, और ऐसे व्यक्ति की क्या खासियत बताई गई है, जो ऐसे व्यक्ति जो रोमांस प्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो जोशीले होते हैं, और जिनका क्रोध पर नियंत्रण होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका शरीर आपके कंट्रोल में और परफेक्ट है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, इसका मतलब आप जोशीले होंगे, अच्छे मिजाज के होंगे और अपनी क्रोध को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति तो होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो किसे होंगे, आयताकृति वाले व्यक्ति होंगे शरीर रचना सिद्धांत के अनुसार। और तीसरी रहेगी गोलाकृति, गोलाकृति का मतलब गोल आकृति होगी, मतलब वो राउंड शेप में होंगे। राउंड शेप में कैसे, मतलब जिनका पेट थोड़ा सा राउंड में हो जाता है ना, ज्यादा खाने वाले। सिंपल सी बात है, गोलाकृति में आने वाले व्यक्तियों को भी यही कहा गया है कि वो भोजन प्रिय होंगे, खाना ज्यादा खाएंगे तो पेट, सिंपल सी बात है, आएगा ऐसे ही। आनंद, आनंद पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे, मतलब खाना ज्यादा खाएंगे तो सोना या आनंद तो पसंद होगा ही सही। तो ऐसे व्यक्ति और हसमुख प्रवृत्ति भी इनके अंदर होगी, तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो गोलाकृति में जाएंगे। शरीर रचना की तीन पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला होगा कौन सी, लंबाकृति, मतलब जो अकेला रहना, गुमसुम रहना पसंद करता है, वो व्यक्ति होगी अपना किसमें, लंबाकृति में। दूसरा होगा आयताकार, मतलब जो सब तौर से अच्छा है, वो तंदुरुस्त भी है और वो एक्टिव भी होगा, वो अपना आयताकृति में हो गया। और लास्ट होगा गोलाकृति, तो थोड़ा सा मोटा हो गया तो वो क्या होगा, आराम पसंद करना होगा और एक तरीके से कह सकते हैं आलसपन उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके की सेल्डन की शरीर संरचना सिद्धांत में तीन अवस्थाएं उसने बताई। चलिए, इसके बाद बात करते हैं विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत केटल ने दिया है। विशेषक सिद्धांत मतलब कुछ खास है उसमें, विशेषक सिद्धांत। तो केटल ने जब विशेषक सिद्धांत और व्यक्तित्व विशेषक की बात की है, तो उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण की है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसके अंदर के व्यक्तित्व को दिखाएगा।
किसी व्यक्ति का व्यवहार क्या है वो उसके व्यक्तित्व को दिखाएगा। इसका मीन्स उसका व्यवहार किस रूप से दिखता है आपको, किस रूप में दिख रहा है, कैसा कर रहा है, ये सब कुछ विशेषक सिद्धांत की रूपरेखा है। ठीक है, विशेषक सिद्धांत किसने दिया? केटर ने। इसके बाद मार्क सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है, ये हेनरी ए मुर्रे ने दिया। ठीक है, तो हेनरी ए मुर्रे ने एक मांग सिद्धांत दिया, हेनरी ए मुर्रे। ठीक है, तो हेनरी ए मुर्रे ने मांग सिद्धांत दिया, मांग मतलब मांगना, हेनरी क्या करता है, मांगता है। ऐसे कुछ भी आप लिंक कीजिए, पॉइंट्स जहां तक लिंक नहीं करेंगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ऐसा टॉपिक है जो आपके नंबर हमेशा कटवाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। आप कितना ही पढ़ लो, कितने ही वीडियो देख लो, वापिस भूलोगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई लिंक करना पड़ेगा। अगर आपने लिंक नहीं किया तो आप सारा भूल जाओगे। जरूरी नहीं है सामने वाला कोई ट्रिक बना के देगा तभी आप पढ़ोगे, ये अपनी सोच होती है। आप खुद भी बैठे बैठे ट्रिक बना सकते हो, बैठे बैठे अपने माइंड से कुछ ट्रिक बनाइए, ट्रिक बनेगी तो आपको वो भी समझ में आएगा। देखिए, हेनरी ऐसा व्यक्ति जो मांगता है, मैंने अपने हिसाब से बना रखा हेनरी मांगने वाला, तो हेनरी मांगता है जो व्यक्ति, हेनरी मांग सिद्धांत ध्यान रहेगा आपको। हेनरी मुर्रे ने मांग सिद्धांत दिया और मांग सिद्धांत में 40 इन्होंने आवश्यकताएं या मांग बताई है। ऐसी आवश्यकताएं जो जरूरी होती है वो 40 इन्होंने आवश्यकताएं बताई है और उन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो 40 आवश्यकता कौन सी, क्या मतलब आया समझ? कहने का मीन्स ये कि हेनरी ने ये कहा कि भाई व्यक्ति जब कोई मांग रखता है या उसकी कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, नॉर्मली रोज ही नई नई आवश्यकताएं आपकी आती है सामने, तो जो व्यक्ति की आवश्यकता आती है उन आवश्यकताओं को दबाता कैसे, नीड और प्रेस, कितनी नीड आई उसने प्रेस कितना किया, दबाया कितना। क्योंकि अगर आप हर आवश्यकताओं को पूरी करने में लग गए तो आपकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो अनिवार्य है, वो पीछे छूट जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपकी जो मेन आवश्यकता है उनको करते जाना है और दूसरी आवश्यकताओं को आपको दबाना कितना है। तो हर व्यक्ति अलग अलग टाइप से अपनी आवश्यकताओं को दबाता है, कोई ज्यादा पूरी कर पाता है, कोई कम पूरी कर पाता है। तो आवश्यकताओं को पूरी करने के आधार पर ही इन्होंने व्यक्तित्व को शो किया है कि इस तरह का व्यक्तित्व होगा जो अपनी आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरी करता है और कितनी आवश्यकता उत्पन्न होने पर उन आवश्यकताओं को किस तरीके से प्रेस कर रहा है, क्योंकि हर आवश्यकता पूरी करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा किसने बताया? मार्क्स सिद्धांत में हेनरी ने बताया। ठीक है, इसके बाद लास्ट की बात करते हैं, सील गुण सिद्धांत। सील मतलब पत्थर, जैसे इस मकान बनाने में अपन पत्थर यूज करते हैं ना, वो उनकी मेन पॉइंट होते हैं, मेन पत्थर है ना, ईंटे हैं पत्थर जिससे वो मकान बनाए। इस तरीके से सील मतलब उसके अंदर का मजबूत गुण जो है वो किसने बोला? अल्पोट और केटल ने सिद्धांत दिया है। अल्पोट और केटल दोनों ने मिलकर सील गुण सिद्धांत दिया है। सील गुण का मतलब यही हुआ उसके अंदर की मजबूत वाली कौन सी एक हैबिट है। अब होता है क्या है, नॉर्मली अगर आप कोई भी व्यवहार करते हो, रोज करने लग जाते हो, तो धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाती है और वो मजबूत आदत धीरे धीरे आपकी सुचारू रूप से हर कार्य में दिखेगी। ठीक है, तो वो जैसे किसी की आदत हो गई रोज के अपने बाल को बार बार ऐसे हाथ लगाना, तो कुछ भी कर रहा होगा ऐसे ही करेगा, बाहर जा रहा होगा तो भी ऐसे ही करेगा। इस तरीके से वो एक हैबिट हो गई, उसकी आदत हो गई। तो इस तरीके से हैबिट अगर किसी के अंदर चल जाती है तो सील गुण सिद्धांत की का एक वो होता है कि इस तरीके से सील गुण सिद्धांत कार्य करता है कि हैबिट्स बन जाती है उस व्यक्ति की। और हैबिट्स के आधार पर उसको अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग प्रकार दिए गए इसमें सील गुण सिद्धांत में। तो देखिए, इसमें इन्होंने पहला जो पॉइंट्स दिया है वो है कार्डिनल प्रवृत्ति। ठीक है, सील गुण सिद्धांत में कार्डिनल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? कार्डिनल, ठीक है, ये सील गुण सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो कार्डिनल प्रवृत्ति मीन्स ऐसी प्रवृत्ति जो उस व्यक्ति के अंदर ही और उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को सौंप करती है। ऐसी कुछ आदतें जो उसके व्यवहार को और चरित्र को सौंप करती है, उस व्यक्ति का नाम आता है तो उसकी वो आदत या वो व्यवहार हमेशा उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, वो होता है कार्डिनल प्रवृत्ति। ठीक है, और ये सभी लोगों में नहीं होती है, बहुत कम लोगों में होती है। जैसे अपन बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के नाम के साथ में अहिंसा वर्ड जुड़ा हुआ है और अहिंसा नाम जहां आए वहां पर महात्मा गांधी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक कार्डिनल प्रवृत्ति है। ठीक है, अहिंसा उनके साथ जुड़ी हुई। उसके बाद दूसरी प्रवृत्ति है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति भी व्यक्ति के चरित्र को शोक करती है और उसकी विजय प्रवृत्ति दूसरी आदतों के ऊपर भी प्रभाव डालती है। ये प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर 10 प्रकार से हो सकती है, 10 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये प्रवृत्ति नॉर्मली उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में योगदान देगी। ये सभी व्यक्तियों में होती है और एक व्यक्ति में 10 प्रवृत्तियां हो सकती है ऐसी केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मली ये प्रसन्नता है, आत्मविश्वास है, ये सारी केंद्रीय प्रवृत्ति में आती है जो उसके अंदर है ऑलरेडी। ठीक है,
इसके बाद लास्ट रहेगी गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति, तो गौण प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति होती है जो उस व्यक्ति के अंदर है पर कभी रहती है कभी जाती है, फिर कभी आती है फिर जाती है। आर आपको समझ में, कभी किसी सिचुएशन में कोई प्रवृत्ति या कोई व्यवहार है और कभी वो गायब हो जाता है, ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को गौण प्रवृत्ति या उस व्यक्तित्व के अंदर डाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईमानदारी, उस व्यक्ति का गुण है वो बहुत अच्छे से ईमानदारी रखता है, ठीक है, पर कभी ऐसी जरूरत हो गई कि उसको पैसे की बहुत जरूरत हुई और उस समय वो ईमानदारी अपनी नहीं रख पाता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में उसने ईमानदारी का गुण अपना खो दिया। फिर अगले टाइम पर जब जरूरत नहीं है तो उसने वापस ईमानदारी शो ऑफ करने लगी। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति तो जाता है वो जाता है गुण प्रवृत्ति में, ठीक है। तो आपको आ रहा समझ में, कार्डिनल सभी में नहीं होती है, कुछ गुने चुने लोगों में होती है, बाकी जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी होगी जो आपके अंदर परमानेंट है, आती जाती नहीं है। और गौण प्रवृत्ति कभी तो कुछ व्यवहार दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। जैसे कोई व्यक्ति कभी चोरी कर लेता है कभी चोरी नहीं करता है, कभी कर लेता है कभी नहीं करता, ऐसी सिचुएशन, तो ये गौण प्रवृत्ति में आएगी। तो आपको समझ में आया सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे सिद्धांत मैंने आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझा दिए हैं। एक बार उस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा।